वेड़ा रे वेड़ा प्रभाकर, देखा ना महेंद्र भाऊ, देखा, इसे कहते हैं आपले दांत और आपले चोट। क्या क्या क्या? ये हमारे मराठी में कहावत है, मतलब कभी कभी हमारे जो अपने होते हैं वो ही हमारा नुकसान करवाते हैं। तो मराठी में है ना कहावत को मणि बोलते हैं, मणि। देखा मराठी का ट्यूशन लेने बैठ गए। क्या क्या, क्या करूं, मेरा दिमाग चकरा रहा है केशव। अन्ना साहब, आपको बाकायदा प्लान करके ठगा गया है, आपके किसी बड़े दुश्मन ने आपको दगा दिया है। 30 दिन पहले की डेट पे प्रभाकर से साइन करवाई गई, लेकिन नोटिस कल रात को चिपकाई गई आपकी दुकान पे। ओह, क्या? ताकि लीज रिन्यू करने के लिए टाइम ना मिले आपको। अरे पण सासूबाई निर्मिती, हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं आए ना तो मैं सड़क पे ला दूंगी, अगर इसके इशारे का मतलब पूछा है तो। पर इसमें पूछना क्या है बेन, वो बिचारे ने संजय दत्त की एक्टिंग की ना, तो सड़क पिक्चर में संजय दत्त ही तो थे, बराबर तो किया इशारा। अगर भाई मतलब हम सड़क पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा बोलिए, कहीं के नहीं रहेंगे। अगर भाई हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, पाई पाई के लिए। पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे? मंदिर मंदिर के बाहर खड़े रह के भीख मांगेंगे, भीख। बस उर्मिला वही नहीं, बस भाई 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 गप्पा बस गो। बेचारे तेरे अन्ना पे क्या बीत रही होगी निर्मिती। अब कोई रास्ता नहीं है अन्ना, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, मैंने अभी फोन करके पता किया। मेरी बात सुनिए। अरे अभी क्या सुनेंगे, अगर आपने ये नोटिस कल रात को ही देख ली थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो उर्मिला बताना चाहती थी, इसलिए तो रात को चिल्लम चिल्ली कर रही थी। उल्टा मैंने उसे रोका क्योंकि। आपने रोका? आपने क्यों रोका महेंद्र भाऊ मेरी बेचारी बहन को? मेरी बेचारी वो उर्मिला बहन हम सबको चेतावनी देना चाहती थी, तो इन्होंने देने नहीं दी, लापरवाह। अच्छा, मतलब ये भी मेरा कसूर? और नहीं तो क्या। अरे हम लोग बैठ के कोई हाल बिल निकालते थे कि नहीं? हाँ। अब तो आएगी अन्ना, सरकार आएगी बुलडोजर लेके और हमारी दुकान तोड़ देगी। सही कहा आपने प्रभाकर दादा। प्रभाकर नालायक, ऐसा बोलता है तू हमारी दुकान के बारे में? नहीं नहीं अन्ना, वो मैं यहाँ ऐसे लेट जाऊंगा, मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा दुकान तोड़ने के लिए। तो वो तो गुजरेंगे। मंजे बुलडोजर आप पे चलेगा तो पहले आप गुजरेंगे, उसके बाद आपके ऊपर से वो गुजरेंगे दुकान तोड़ने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस गोखले बंधु बाकड़वड़ी पे। 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान जब्त करके तुम्हारा धंधा ना चौपट कर दिया तो नाम बदल देना पेंट से। ये सारी साजिश उस नेता पेंट से की है। वो मैं भी समझ गया अभिषेक, लेकिन उसके लिए अन्ना को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है बाला। अभिषेक, अरे अन्ना ने अपने सिद्धांतों की रक्षा के खातिर वो पेंट से के साथ झगड़ा किया। हाँ बाड़ा, ऐसे पागल और संकी नहीं है हमारे अन्ना कि किसी के साथ भी पंगा ले। तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में अभिषेक? नहीं अन्ना। वेरी गुड वेरी गुड अन्ना। तू इतना आराम से बैठ क्या गया प्रभाकर? वो मेरी जगह अभिषेक को आटे में लिया ना केशव ने। इतना अच्छा लग रहा है ना। देखा अन्ना, देखा देखा, चैन की सांस लेने बैठ गए। उठ नालायक उठ, माठा है स्मार्ट, यहाँ हम सबकी सांस अटक गई है और तू चैन की सांस लेने बैठ गया। अन्ना सर शांत रहिए। मैं शांति हूँ महेंद्र भाऊ, मेरी ये दुकान, ये माँ है मेरी।
और मेरी पहचान है ये दुकान। ये दुकान अगर दो रुपए देना बाबा, ए बाबा देना, ए पांच रुपए देना बाबा, ए बाबा दो रुपए देना बाबा, ए बाबा पापा पापा क्या कर रहे हैं? पंडिया मैं ये कटोरा लेके भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम लोग भी आ जाओ ना, बच्चों को ज्यादा भीख मिलती है मालूम। अमोल काका वो कटोरा नीचे रखिए। क्यों? उज्ज्वला ही तो बोली कि लीज रिन्यू नहीं होगी तो हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। मस्त मजा आएगा, कुछ नया करने को मिलेगा। उज्ज्वला ऐसा मैंने उर्मिला आंटी बोली, उर्मिला आंटी वो भी बड़ा चढ़ा के मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर। ए चलो अब सब, मैं सबके लिए कटोरा लेके आया हूँ। ये लो ये लो ये ले, तुम लोग मस्त भिखारी लगोगे। ए मंदार तुझे तो बोलते भी है ना सब कि तू शक्ल से ही भिखारी जैसा दिखता है। ऐसा कौन बोलता है? वो अभी इस वक्त आपको इस बात की पड़ी है कि आप भिखारी जैसे दिखते हैं, ऐसा कौन बोलता है? लाओ देवा 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 देवा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अगर सच में हमारी दुकान चली गई तो हम तो सब यही हमें नहीं करना है मंदा दादा। घर के बड़ों पर जब ऐसी परेशानी आती है ना, तब वो खुद को लेकर नहीं हम बच्चों को लेकर ज्यादा चिंता करते हैं। अब सुनिए, मुझे 24 घंटे खत्म तो सरकार दुकान तोड़ डालेगी सासू भाई। नक्की नक्की, क्योंकि वो लोग तो तैनात ही खड़े होंगे ना तोड़ने के लिए। बुलडोजर लेके आ जाएंगे और बोलेंगे चला चला दुकान खाली करा, हमेशा के लिए गोखले बंधु दुकान बंद। आप हमारा हौसला बढ़ाने आई है या हमारा डर? आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक रास्ता ढूंढ निकाला है मेरे पापा ने। मींस के महेंद्र ने, वो पप्पा है ना? हाँ अंदाजा आ गया हमें, वो पप्पा है और आप मम्मी। रास्ता क्या है? क्या क्या, क्या, क्या रास्ता है आपके पास? हाँ ऐसे आरी लेके काटू चारों तरफ से अपनी दुकान को काटू मैं? टेढ़ा ये टेढ़ा, फिर सरकार को बोलूंगा जाओ रखो अपनी जमीन, मैं दुकान लेके जाता हूँ। ऐसे सिर पे उठाऊ दुकान को और घर घर घूमू, बाकरवड़ी ले लो, बाकरवड़ी ले लो, चिवड़ा ले लो, चिवड़ा पेड़ा ले लो। टेढ़ा है ये टेढ़ा, तेरे अन्ना को सीधी तरह से बात करनी ही नहीं है ना। तो राम राम। हाँ तो राम राम। अन्ना क्या राम राम, उनके पास एक रास्ता है। अरे महेंद्र महेंद्र भाव, अरे महेंद्र भाव रुके रुके, महेंद्र भाव महेंद्र भाव बताइए ना रास्ता। आप टेढ़ी बात नहीं करेंगे? नहीं नहीं कभी नहीं करूंगा। अरे ए केशव नालायक इधर आ, केशव की कसम। सुनिए आप सब लोग। हाँ तू भी आ इधर। मैं? मुझे बुलाया? नहीं नहीं महेंद्र भाव तो ऋत्विक रोशन को बुला रहे थे, वो यहाँ आकर डांस करने वाला है ना। क्या है ना, वो हमारा मनोरंजन करेगा तभी तो हमारा मन हल्का होगा। वो डांस कर ऐसे। ओफो क्या हुआ, क्या टाइम पास चल रहा है? सब ठीक? हाँ सब मस्त है। ठीक है नोटिस पढ़ी आपने? हाँ हाँ मस्त है ना? एकदम मस्त, मैंने तो कल रात को ही पढ़ ली थी। दुकान जाएगी। हाँ हाँ आप डांटिए, गुस्सा करना है गुस्सा कीजिए, वरना आपको चैन नहीं मिलेगा ना। दो मिनट लगेंगे। टेक योर टाइम। गाढ़वा नालायक, पिछले जन्म के दुश्मन, सारा कसूर तेरा है। अरे अगर तुझे पता था तूने नोटिस कल पढ़ ली थी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मैंने बोला था, मैंने कल रात को ही बोला था, देखो देखो ये देखो। तो केशव दादा बोले जा जाके घर जाके बच्चों से कहानी सुन। अच्छा तो फिर तो सारा कसूर तेरा है केशव। नहीं नहीं अन्ना, साइन करके लोचा तो इन्होंने मारा है। अरे हाँ
सारा कसूर तेरा है प्रभाकर। ओफो, किसका कसूर है उसको लेके आप लोग खो खो क्या खेल रहे हैं? हाँ यहाँ देखिए। हाँ? अन्ना साहब यहाँ आइए। एक बिनती थी आपसे। जी बोलिए। ये अमूल को आप लेके जाइए ना अपने साथ में। हाँ चलो चलो। अरे नहीं नहीं फ्री में देता हूँ, साथ में प्रभाकर भी फ्री, बस। आप मेरी बात सुनिए। इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि क्या है ना, हम अगर फ्री में देते हैं ना फिर, और ये हमारा सिद्धांत अन्नब, हमारा गोखले बंधु। हाँ कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं है पागल। बाप रे, अभी रोने की नौबत आई और मुझे हंसी आ रही। अन्ना साहब, अन्ना साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखिए ज्योत्सना आंटी, जिस कानून के तहत उस पेंसे ने लीज रेन्यू कराने की नोटिस दी है ना, उसी का... लेकिन उसने चालबाजी करके तब नोटिस दी जब उसे रिन्यू करवाने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। हाँ वो हमें पता है बेन, और वो भी रविवार जब रजिस्ट्रेशन की ऑफिस बंद होती है। उर्मिला वहीनी। हाँ हाँ भाई हाँ, वो सबको पता है। अभी इस बात का रट्टा मारना है क्या हम लोगों को बैठ के? हाँ परीक्षा में नहीं आने वाला है ये प्रश्न के बोलो जाओ, पेंसे साहब ने कब नोटिस मारी थी? चलो अभी दूसरा सवाल, रजिस्ट्रेशन की ऑफिस कौन से दिन पे बंद होती है? रविवार। आ जाओ। मम्मी